हम हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत गाने सुनते हैं, सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। हमें जिस भी गाने का म्यूजिक अच्छा लगता है हम वो सुनना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सॉन्ग सुनने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो सैड सॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका जो म्यूजिक होता है वो म्यूजिक हमें रियलाइज नहीं होने देता है कि हम कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। हमें गाने के बोल से, उसके लिरिक्स से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। जिस भी गाने का हमें म्यूजिक अच्छा लगता है हम सुनना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो सैड सॉन्ग है धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, और फ्री टाइम में भी हम उसे गुनगुनाने लगते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसी चीजों को बहुत जल्दी याद करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें बहुत जल्दी जाती हैं, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, एक म्यूजिक के फॉर्म में हो। कभी नोटिस करा हो कि हमें फिल्मों के गाने बहुत जल्दी याद होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक याद रहते हैं, और जो हमारे स्कूल का सिलेबस है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो बहुत देर में याद होते हैं और बहुत कम समय के लिए याद होते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे विजुअल फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में बहुत जल्दी चीजें याद होती हैं। टीवी पर गाना चल रहा है वीडियो के फॉर्म पे और बहुत ही शानदार उसका म्यूजिक है, एक्टर एक्ट्रेस डांस कर रही हैं। इस प्रकार से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बहुत जल्दी जाती हैं। सैड सॉन्ग हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हार्म, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी रेगुलर लाइफ में सैड सॉन्ग ज्यादा सुनता है उसके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। फिर वो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक समस्या से मैं फ्री नहीं हो पाता और दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जाने अनजाने में ही उसने ही समस्याओं को अपनी तरफ इनवाइट किया है। कभी नोटिस करा हो जो लेबर होते हैं डेली वेजेस वाले, वो अपना काम करते समय जो 80s या 90s के सैड सॉन्ग सुनते हैं, और धीरे धीरे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं और उनका जो जीवन है और इसी प्रकार से दयनीय होता चला जाता है। तो जब भी गाने सुने तो हमेशा अलर्ट रहें कि हम कहीं सैड सॉन्ग तो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव ही सुनिए।